नमस्ते दीदी। नमस्ते। कथी करत भैंस के घास डालतनी दीदी? बर साल धान लगैले रही, ओ खराब हो गईल। सुनले रही रउए धान बीज उपचार कैके लगाए नी, बीज उपचार कैसे होखेला बताई ना दीदी। ठीक है, समय में आयल बानी, धान के बिया कैसे उपचार होला हम बता देतनी। चल हम बता देतनी, घर में जाके हम बता देतनी, यही तरह लगे हम बता दे। हम तो कैसे उपचार होई ये तो बताइबे करन, एकर से पहले रहे अपन परिचय दे देती तो ठीक रह। सब भैया दीदी के प्रणाम। हमार नाम हो सोना देवी, सरस्वती जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य बानी, उजाला जीविका ग्राम संगठन के सदस्य बानी, गांव लक्ष्मीपुर पंचायत लक्ष्मीपुर रामपुरवा प्रखंड बघादू जिला पश्चिमी चंपारण के रहे वाला बानी। ठीक बा दीदी, रहे बैठी, हम बीज उपचार करे के सब सामान लेके आओ तनी। बीज उपचार करे खातिर हम सब सामान ले आयल बानी, सामान के बारे में अब तोर के बता तनी कैसे कैसे ही होला हम बता तनी तोर के। देखी दीदी, हई धान के बिया है, एक काठा में 400 ग्राम लागेला। हई नमक है, एकर में नमको लागेला, कथी काम होखेला नमक के? पानी में एकर घोल बनेला, विभिस्टिन पाउडर। ई विभिस्टिन पाउडर है, कथी होखेला? ई फफूंद नाशक है, एकरा से फफूंदी रोग नहीं लागेला। ई है दस्ताना, दस्ताना ना रहेला तो पोलथीन से काम चलेला। ये है अंडा दीदी, जब अंडा नहीं रहला तो आलू से काम चल सकता। पानी से भिजा ले गो बोरा बाटे। दीदी ये कथी के बोरा है? पानी से भिजा ले चट्टी के बोरा है। हाई रस्सी है दीदी, रस्सियों के जरूरत पड़ेला। दीदी ये रस्सी कथी होखेला? पूरा बांधे के खातिर रस्सियों के जरूरत पड़ेला, विभिस्टिन पाउडर के मिला खातिर सलाइयों के डाबा के जरूरत पड़ेला। एक लीटर पानियों के जरूरत पड़ेला। दीदी ये सब सामान के बारे में तो बता देनी, अब ये कैसे हो खेलाए बताई। देखी दीदी, हाई अंडा पानी में डाल दनी, आ अंडा डूब जाई तो बढ़िया हो खेला। देखी दीदी, हाई अंडा खराब हुई तो ऊपर आ जाई। देखी दीदी, हाई नमक डाल तनी, जरूरत के आवश्यकता घोल बनाओ तनी नमक के। नमक के घोल तैयारी हो गई, अब हई अंडा डाल तनी। हई देखी दीदी, हई चवन्नी के आकार नहीं घूमता ना अंडा? चवन्नी के आकार के अंडा घूमता।
भी घोल एकदम तैयार हो गई बा। है देखी दीदी, अब हम है धान के बिया डालत हनी पानी में। धान के बिया हम पानी में डाल दिले बानी, जौन बढ़िया बात नीचे बा आ जौन खोखरी बात ऊपर आ गई बा। है देखे जौन है खोखरी बाटे तो हम बाहर है निकाल देती। अब एकर कोनो काम नहीं खे, एकर कबो काम नहीं आई। अब आई तो खादरे के काम आई, एकर अंकुरण ना होखेला। है बढ़िया बीज बा, हम एकरा का आप छान तने। देखी दीदी, ई धान में नमक लागल बा आ साफ पानी से तीन चार बार धोए बा। चली दीदी, ई धानों के साफ पानी से धोई जा। एकर में नमक के घोल लागल बा, अब एकर के जतनी धोए ना धोए तब बीज नहीं निमन जामी। दी धान कोई पानी धोआई? चार पानी धोआई नहीं धोआई तो कैसे बिया जामी? पर में नमक के घोल लागल बा, फिर धोआई नहीं तो कहाँ से जाम पाई? धोआ जाए तो जाम जाए। हाँ देखी दीदी, है में चार पानी धोआ गई, अब साफ हो गई तब तो बिया बढ़िया से जामी तो साफ हो जाई। दीदी, ई साफ पानी में काहे ला रखले बानी? साफ पानी में धो दल बानी, 18 घंटा फूले खातिर अब छाया में रख दह। अठारह घंटा के बाद आई दीदी। सोना दीदी बानी घरों में? हाँ बानी दीदी, घर बानी। आओ दीदी, 18 घंटा तो हो गई बा, वे से आईनी और इस सब विधि बताई। देखे दीदी, है चट्टी के बोरा है, एकरे में है धनवा, अब निकाल के एकर में धरे के पड़ी। देखी दीदी, है धनवा एकर से पसरा देती न दीदी, एकर के काहे छितरैले बानी? एकर के छितिया तनी से न खोर के खातिर। देखी दीदी, धान भरक गई बा, जखनी बीबिस्टिर पाउडर मिलाए, बीबिस्टिर पाउडर मिलाए जखनी। दीदी, हाथों में कथी पहिनले बानी? दस्ताना पहिनले बानी, दस्ताना नहीं रही तो पोलथीन लगा के अभी पाउडर मिला के। दीदी, ये दस्ताना काहे खातिर पहन ले बानी? दस्ताना इसे पहले बानी कि बीबिस्टिन पाउडर है, जौहर है। देखी दीदी, बीबिस्टिन पाउडर है, अब जतनी एकर में मिलाए। दीदी, एकर में कितना बीबिस्टिन पाउडर मिलाइले बानी? 400 ग्राम धान में बीबिस्टिन पाउडर 1 ग्राम मिलाइले बानी। अब एकर के मोटरी बांध के छायादार जगह में रखा जाई 24 घंटा। दीदी, एकर के तो अब बांध नहीं जा, अब एकर के कहाँ रखाई? 24 घंटा छायादार जगह में रखा जाए। अब जतनी एकर के 24 घंटा रखे छायादार जगह में,
ताकि बढ़िया से अंकुरित हो जाए। दीदी बीज उपचार करे से कथी कथी लाभ बा? दीदी दो तरह के लाभ बा, बिया बढ़िया से जामी, कोनो रोग ना लगे, बियो मजबूत रहे। दीदी एमे सावधानियों बरते बा? दीदी एकर में सावधानियों बा, 18 घंटा से ज्यादा पानी में नहीं फुलाएगा बा। विविस्टिन पाउडर मिला खातिर दस्ताना पहिरल जरूरी बा। हमें तनी तनी पानी छिटेगा बा, बीज ठंडा जगह में रखेगा बा। किसान भैया दीदी के संदेशो देहेक बा दीदी? हाँ दीदी संदेशो देहेक बा। सब भैया दीदी का यही अनुरोध बा कि किसान दीदी भैया लोग धान के बीज उपचारित करके लगाए और अधिक लाभ उठाए। सभी भैया दीदी के धन्यवाद। दीदी एकर खतरा बहुते समय देहनी, बीज उपचार करके बतैनी, एकरा ला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।